प्रत्याशी हैं अपना दल जो है एनडीए के, सर किस तरीके का चुनाव ये रहा और कितना लगता है आपको क्या सियासी दांव पेच खेले गए इस चुनाव में? कोई दांव पेच नहीं सर, बढ़िया रहा, बेहतर रहा, अच्छा रहा और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ क्योंकि आपने ग्राउंड तैयार करा था। जब पहला चुनाव जो है नवाब काजिम अली खान ने जो है चुनाव में जो है रेड डायल का खत्म कराया था तो आपका उस समय ग्राउंड बना हुआ था, क्या लगता है वो ग्राउंड जो है पहले से जो तैयार पिच पर जो खेल रहे थे आप? वो नींव रखी हुई थी उसको फायदा हुआ है और मैं समझता हूँ उससे भी बहुत फायदा हुआ और हर वर्ग का वोट मिला हमें, हर बूथ पे वोट मिला है और सर्व समाज का वोट मिला है, इसलिए हमारी जीत इंशाल्लाह निश्चित है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने एक हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारा, क्या लग रहा है आपको कि आपको जो टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए दिया गया है, क्या लगता है? हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, हिंदू समाज का बहुत अच्छी तादाद मुझे वोट मिला है, मुस्लिमों को भी मिला है, सिखों को मिला है, हर तबके का वोट मिला है और चुनाव वो जीता जी सब जाति के वोट मिला, हमारे साथ हर वर्ग है, हम हर जाति है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में कितनी जीत आपको मिलने वाली है और क्या लग रहा है आपको ये चुनाव क्या वर्चस्व की लड़ाई है सिर्फ या आपकी अपनी लड़ाई है? देखिए, चुनाव तो हम 100% जीतेंगे मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह और जनता ने फैसला बढ़िया दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए शफीक अहमद अंसारी थे और चुनाव की बात कर रहे थे, हालांकि जीतने का बड़ा दावा कर रहे हैं मगर सवाल ये है कि इनके सामने जो है समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर नहीं है, वो भी चुनाव जो है मजबूती से लड़ी है और इसके अलावा मेहनत की है। शफीक अंसारी खुद यहाँ पर मतदान मतगणना स्थल पर आए हैं और मुआयना कर रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं, तो बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा, मतगणना स्थल पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है, उसके बाद जो है किस तरीके के नतीजे आने वाले हैं, क्या वाकई ही जो है अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी जीत हासिल करते हैं या समाजवादी पार्टी 21 साल बाद एक हिंदू प्रत्याशी जो है जो मैदान में है वो अपना परचम लहराएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफ़ान अहमद, क्यू टीवी, भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।